अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग वेरी गुड हेल्थ। आई एम प्रोफेसर जावेद इकबाल। आज हम फेमस अमेरिकन पोएटेस सिल्विया प्लैथ की पोएम द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स स्टडी करेंगे। सिल्विया प्लैथ की पोइट्री को समझने से पहले उसकी लाइफ और उसके माइंड में चल रही इनर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये समझती है कि इस दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, इवन उसका हस्बैंड टेड ह्यूज उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। उसके लिए ये दुनिया एक वीरानी का मंज़र पेश करती है और अपने आप को वो इस तरह फील करती है जैसे वो तन्हा है और हमेशा मायूसी और नाउम्मीदी का इजहार करती है। वजह असल में ये है कि सिल्विया प्लैथ एक बहुत ही हसास पोइटस है। 1932 में वो पैदा हुई। उनके वालिद मोहतरम एक शहद की मक्खियों के कारोबार करने वाले शख्स थे, बी फार्मिंग करते थे। वो जर्मन थे और उनका एक दोस्त एक बीमारी की वजह से मर गया, जिसकी वजह से ओटो प्लैथ, जो कि सिल्विया प्लैथ का वालद था, वो ये समझने लग गया कि उसमें भी उसी बीमारी के सिम्टम हैं और वो भी जल्दी ही मर जाएगा, और 1940 में वो मर गया। 1956 में सिल्विया प्लैथ की शादी टेड ह्यूज़, एक फेमस इंग्लिश पोइट के साथ हुई। पोइटस ये समझती थी कि टेड ह्यूज़ उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, उसके ताल्लुकात और औरतों के साथ हैं, और इस तरह उसके माइंड में हमेशा ये बातें चलती रहती। इवन के ये भी स्टेटमेंट्स आती रहीं कि टेड ह्यूज़ ने फिज़िकल वायलेंस भी की है सिल्विया प्लैथ पर। 1962 में टेड ह्यूज़ ने सिल्विया प्लैथ को डाइवोर्स दे दी और 1963 में सिल्विया प्लैथ अपनी थर्ड अटैम्प्ट ऑफ सुसाइड में उसकी डेथ हो गई। तो इतनी हसास थी कि उसने 3 बार अपनी लाइफ में सुसाइड करने की कोशिश की। तो उसकी पोएम्स के अंदर हमें चेंज ऑफ फीलिंग्स, सडन ट्रांजिशन ऑफ थॉट्स मिलते हैं, और नाउम्मीदी, पेसिमिज्म के थीम्स और डेथ के थीम्स हमें मिलते हैं। तो पोएम को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं ज़रा। आई ऑर्डर्ड दिस क्लीन वुड बॉक्स। मैंने इस साफ सुथरे डिब्बे का ऑर्डर किया था। ये साफ सुथरा डिब्बा मैंने मंगवाया है। स्क्वायर, ये चौरस है। एज अ चेयर, जैसा कि कुर्सी होती है, जैसे कुर्सी का पेंदा होता है, इस तरह ये चौरस है। एंड ऑलमोस्ट टू हैवी टू लिफ्ट, और तकरीबन काफ़ी भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता। यानी हमें यहाँ थीम ऑफ इनकैपेबिलिटी टू कोप विद थिंग्स, हमें पोइटेस की इनएबिलिटी नज़र आती है कि वो काम करने से कासर है, जो वो चाहती है करना वो नहीं हो सकता, वो उससे हो नहीं रहा। आई वुड से इट वॉज द कॉफिन, मैं तो ये कहूँगी कि ये कोई ताबूत है। कॉफिन मीन ताबूत, जिसमें मुर्दे को वो बॉक्स जिसमें मुर्दे को बंद करके दफनाने के लिए ले जाया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कोई ताबूत है। ऑफ अ मिजट, किसी बौने का, किसी डवाफ का, किसी बौने का ये ताबूत है, ये बॉक्स, ये जो शहद की मक्खियों का डिब्बा है, ये किसी बौने का ताबूत है, मैं तो ये कहूँगी। आर अ स्क्वायर बेबी, या फिर ये झूला है किसी चौरस बच्चे का, बच्चा चौरस तो नहीं होता, यानी गोल मटोल बच्चे का, ये कोई झूला है, उसका बॉक्स है। वर देयर नॉट सच अ डिन इट, क्या इसके अंदर से कोई शोरोगुल की आवाज़ नहीं आ रही। डिन मीन नॉइस, शोरोगुल, शोरोगोगा, क्या इसके अंदर से कोई शोरोगुल की आवाज़ नहीं आ रही। द बॉक्स इज लॉक्ड, ये डिब्बा बंद है हर तरफ से। इट इज़ डेंजरस, और ये ख़तरनाक है। यानी यहाँ पोइटस ये भी शो करती है कि उसके लिए ये दुनिया है, ये हर तरफ से, इस दुनिया में पोइटस आइसोलेटेड है, तनहा है, अकेली है, और दुनिया उसके लिए ख़तरा है, डेंजरस है उसके लिए दुनिया।
आई हैव टू लिव विद इट ओवर नाइट, मुझे इस खतरनाक बॉक्स के साथ ही सारी रात गुजारनी है। एंड आई कैन नॉट कीप अवे फ्रॉम इट, और मैं इसको छोड़ कर भी नहीं जा सकती। यहाँ हमें इनवर्डली ये भी नज़र आ रहा है कि टेड ह्यूज़ के साथ उसकी बनती नहीं है, टेड ह्यूज़ उसके ऊपर फिजिकल वायलेंस भी करता है, लेकिन उसको हर सूरत में उसके साथ ही रहना है। देर आर नो विंडोज़, इसमें कोई खिड़कियाँ नहीं हैं इस बॉक्स के अंदर, सो आई कैन नॉट सी वाट इज़ इन देयर, तो इस तरह मैं नहीं देख सकती कि इसके अंदर क्या है। अपने ही मेंटल एक्सप्रेशन को शो करती है कि अलामती तौर पर उसके माइंड के अंदर इस तरह की कम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है वो। तो इनअबिलिटी टू सी द एक्चुअल थिंग्स, वो चीज़ों को तह तक एनालिसिस करने के काबिल नहीं है पोर्टिस। देर इज़ ओनली अ लिटल ग्रिड, इस बॉक्स के अंदर बस सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है, नो एग्ज़िट, और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यानी पोइटस जिन मुसीबतों परेशानियों में गिरी हुई है इनवर्डली, उससे भी वो फरार हासिल करने का उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा। ग्रिड मीन कोई खिड़की, कोई विंडो। आई पुट माई आई टू द ग्रिड, मैंने इसकी एक छोटी सी जो सुराख था जहाँ से मक्खियाँ बाहर निकलती हैं उस पर मैंने आँख रखी। इट इज़ डार्क डार्क, ये अंदर से बिल्कुल ब्लैक है, काला है, काला है अंदर से, उसको कुछ नज़र ही नहीं आया। एक तो मक्खियों का रंग ब्लैक किस्म का होता है, तो एक अंधेरा था बॉक्स के अंदर, तो कुछ नज़र ही नहीं आया। यही उसके इनर मेंटल सिचुएशन है कि उसके अंदर दिमाग के अंदर भी उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है उसे। विद द स्वामी फीलिंग्स ऑफ अफ्रीकन हैंड्स, थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड कलोनियलिज्म यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इम्पीरियलिज्म का मतलब, कलोनियलिज्म का मतलब ये है कि 20th सेंचुरी में बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जिनमें पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कब्ज़ा कर लिया और उनको अपनी कॉलोनीज़ बना लिया, और ख़ास तौर पर अफ्रीका पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद और वायलेंस किया कि अफ्रीका से उन्होंने ह्यूमंस को, इंसानों को स्मगलिंग कर करके उनको गुलाम बना बना कर यूरोप में बेचा, मंडियां लगा लगा कर। तो वो अफ्रीकी लोगों को, काले लोगों को पकड़ते थे और उनको बॉक्सेस में, डिब्बों में, उनको बड़े जंगलों में ठौंस ठौंस कर बंद कर देते थे, और वो काले लोग थे, उनको फिर ये अफ्रीका ट्रांसफ़र करते और वहाँ पर इनको गुलाम बना कर बेचते थे। तो कहती कि ये मक्खियाँ भी मुझे ऐसे फील हो रही हैं जैसे कि विद द स्वामी फीलिंग, स्वामी स्वाम कहते हैं मक्खियों का झुंड, तो मक्खियों के झुंड जैसे हाथ पर बैठ जाता है तो मुझे भी ये ऐसे ही महसूस कर होती हैं। विद द स्वामी फीलिंग ऑफ अफ्रीकन हैंड्स, जैसे कि किसी यूरोपियन शख्स के वाइट हैंड पर अफ्रीकन काले हबशी का हाथ आता है तो वो कुछ अजीब सी कराहत महसूस करता है, तो उसको स्वामी फीलिंग कहता है, कहती है पोइटस। तो कहती है कि मुझे ये डिब्बा जब मैं अंदर से देखती हूँ तो मुझे किस ऐसे स्वामी सिकराहत वाली फीलिंग्स आती हैं जैसे कोई अफ्रीकी बाशिंदा किसी यूरोपियन शख्स के सफ़ेद हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है तो कराहत महसूस होती है। तो इसी तरह मुझे ये महसूस होती हैं माइन्यूट एंड श्रंक फॉर एक्सपोर्ट, जिनको चीदा चीदा एक एक करके चुन लिया गया हो एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें थीम ऑफ इम्पीरियलिज़म और थीम ऑफ कलोनियलिज़म मिलता है। ब्लैक ऑन ब्लैक, काली मक्खी के ऊपर काली मक्खी, एंगरली क्लैमरिंग, और वो गुस्से से शदीद हालत में कराह रही हैं, शोर मचा रही हैं। तो ये मक्खियाँ भी उन अफ्रीकी लोगों की तरह डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद हैं, जैसे उन अफ्रीकी लोगों को बॉक्स के अंदर ठौंस ठौंस कर भर कर लाया जाता था यूरोप के अंदर उनकी ट्रेड करने के लिए। तो इसी तरह ये इस बॉक्स के अंदर भी ये मक्खियों से भरा हुआ है बॉक्स, और ये अंदर से गुस्से से जैसे कराह रही हूँ। क्लैमरिंग का मतलब कराहना, आहो बका करना। हाउ कैन आई लेट देम आउट, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर इनर कम्प्लेक्सिटीज माइंड में और सडन ट्रांजिशन ऑफ थॉट होगा। यहाँ देखें, पहले वो अफ्रीकन हैंड्स, कॉलोनियलिज्म का थीम, फिर डेथ का थीम, और अब थीम ऑफ इनर कम्प्लेक्सिटीज, इनअबिलिटीज़, इनकैपेबिलिटी का थीम यहाँ पर शो करेगी। हाउ कैन आई लेट देम आउट, मैं इन्हें कैसे बाहर निकाल सकती हूँ।
इट इज़ द नॉइस दैट अपाल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल, ये शोर है जो मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट वाला लगता है, परेशान करता है सबसे ज़्यादा। इनके अंदर जो बजिंग साउंड आ रही है इस डिब्बे के अंदर, मक्खियों के भिन बनाने की, क्राहने की जो आवाज़ आ रही है, क्लैमरिंग साउंड आ रही है भिन बनाने की, ये मुझे घबराहट वाली, मुझे मैं इससे घबराती हूँ। अपाल मीन घबराना। द अन इंटेलिजिबल सिलेबल्स, बड़ी अहम बात, अन इंटेलिजिबल ना समझ आने वाले सिलेबल्स, आवाज़ें जो हम बोलते हैं, ये साउंड मुख्तलिफ सिलेबल्स में डिवाइड होकर निकलती हैं, तो अन इंटेलिजिबल सिलेबल्स, ना समझ आने वाली इनकी आवाज़ें, इन मक्खियों की बजिंग साउंड्स जो हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी आवाज़ें क्या हैं। ना समझ, अन इंटेलिजिबल सिलेबल्स, अन अंडरस्टैंडेबल साउंड्स यानी बजिंग साउंड्स, इनकी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं बॉक्स के अंदर से। इट इज़ लाइक अ रोमन मॉब, ये मक्खियाँ मुझे रोमन मॉब, एंशियंट बैक हिस्ट्री में, जैसे कि रोमन फोर्सेस बड़ी ताकतवर, जब रोमन एम्पायर पावरफुल था तो रोमन मॉब यानी रोम की फोर्सेस, रोम के सिपाहियों का दस्ता मुझे लग रही हैं। मॉब मीन सिपाहियों, फौजियों का दस्ता, तो मुझे ये रोमन मॉब की तरह लग रही हैं। ब्लैक कलर का सूट पहनकर, जैसे उन्होंने रोम के सिपाहियों ने क्लैडिंग की होती थी अपने ऊपर, जर्रा जर्रा बख्तर लगाकर, आहनी लबास पहनकर, तो ये मुझे भी इसी तरह रोमन मॉब लगती हैं, और गुस्से और शदीद गुस्से वाली लगती हैं, और ये मुझ पर हमला करेंगी। समाल, ये छोटी हैं, ये छोटी छोटी हैं, टेकन वन बाई वन, अगर इस इनको एक एक करके निकाला जाए तो ये तो बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं। बट माई गॉड, लेकिन ओ खुदाया, टुगेदर जब ये इकट्ठी होती हैं तो फिर ये किस कदर ताकतवर होती हैं, ये तो हमला करेंगी। फिर तो ये इकट्ठी होकर, यानी अकेली अकेली हैं तो ये तो बिल्कुल मासूम सी लगती हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन जब ये इकट्ठी होकर हमला करती हैं तो ये रोमन मॉब बन जाती हैं, एक आहनी लबास वाली ताकतवर फोर्स बन जाती हैं, जो कि हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दें। आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लेटन, मैं अपने कान धरती हूँ इन गुस्से वाली लातीनी आवाज़ों को समझने के लिए। लेटन क्योंकि अब एक मतरूक ज़बान है, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, और क्योंकि सिल्विया प्लैथ जर्मन थी, फिर ये अमेरिका में आ गई और इंग्लिश इसने सीख ली, इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि लेटन ज़बान से ये नावाकफ़ थी तो वो मक्खियों की बजिंग साउंड को लेटिन ज़बान से तशबीह देती है कि मैं इनकी इन शदीद गुस्से वाली लेटन किस्म, लेटन जैसे ज़बान है ना समझ आने वाली, इस तरह इनकी बजिंग साउंड को मैं सुनती हूँ, इनके ऊपर कान धरती हूँ। आई एम नॉट अ सीज़र, मैं एक सीज़र नहीं हूँ। सीज़र क्या, कौन था ये, एक बहुत बड़ा जंगजू था, सिपाही था रोम का, और इसने बहुत ज़्यादा फतूहात की, एक बहुत ही ज़्यादा किस्म का शख्स था, सिपाही था, फौजी था, ये फौजी कमांडर था सीज़र, जूलियस सीज़र जिसका नाम था। तो वो कहती है कि मैं तो एक छोटी सी, एक मासूम सी चीज़ हूँ, मैं कोई सीज़र नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह कोई फौजी कमांडर नहीं हूँ, ताकतवर नहीं हूँ। आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मैनियक्स, मैंने तो बस सिर्फ एक इन पागल चीज़ों के एक बॉक्स का ऑर्डर किया हुआ है। मैनियक्स मीन मैड, पागल, दीवानी, तो मैंने इन दीवानी चीज़ों का, पागल चीज़ों का, इस फ्यूरियक्स ये जो मक्खियाँ हैं भिन बना रही हैं, बजिंग साउंड निकाल रही, मैं तो इनको, इन पागल मक्खियों का बस एक बॉक्स ऑर्डर किया था, तो मेरी कोई बड़ी जायदाद नहीं हूँ, मैं सीज़र की तरह कोई बहुत बड़ी पावरफुल किंग नहीं हूँ। दे कैन बी सेंट बैक, इनको वापस भी भेजा जा सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे कैन डाई, ये मर सकती हैं, अब ये सीज़र की तरह का अथॉरिटेटिव, अब देखें ट्रांजिशन हुई है थॉट्स की, कि अब सीज़र की तरह अथॉरिटेटिव रवैया बना रही है। दे कैन डाई, ये मर सकती हैं। आई नीड फील दैम नथिंग, आई नीड फीड दैम नथिंग, मुझे इनको कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम द ओनर, मैं तो इनकी मालिक हूँ, यहाँ अथॉरिटेटिव रवैया उसका नज़र आता है। आई वंडर हाउ हंग्री दे आर, अब दोबारा फिर ट्रांजिशन हो रही है चेंज की, अब उनको, उसको फिर दोबारा एहसास हो रहा है कि इनको खुराक तो देनी चाहिए, पहले ऊपर वाले में था, आई नीड फीड दैम नथिंग, मुझे इनको खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम द ओनर, मैं तो इनकी मालिक हूँ, लेकिन अब फिर थाट्स में चेंज हुई है, ट्रांजिशन, सडन ट्रांजिशन ऑफ थाट हो रही है। आई वंडर हाउ हंग्री दे आर,
मैं हैरान हूँ ये कितनी भूखी हैं। आई वंडर इफ़ दे वुड फॉरगेट मी, मैं हैरान हूँ कि क्या ये मुझे भूल जाएंगी। इफ़ आई जस्ट अनडिड द लॉक्स, अगर मैंने बस इनकी खिड़की का लॉक खोल दिया। एंड स्टूड बैक, और पीछे होकर खड़ी हो गई। एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री, और अपने आप को एक दरख्त में तब्दील कर लिया, यानी वो मक्खियों से बचने के लिए हिफाजती लिबास पहन लिया, तो मैं इनके लिए एक दरख्त की तरह, एक खड़े हुए दरख्त के तने की तरह नज़र आऊँगी। तो मैंने अगर इनको छोड़ दिया तो क्या ये मुझे भूल जाएंगे। यानी यहाँ पर एहसास है उसको कि कोई उसको भी याद करने वाला हो, कोई उसका भी एहसास करने वाला हो, उसका भी कोई ख्याल करने वाला हो। इनवर्डली इनर कम्प्लेक्सिटीज शो हो रही हैं कि टेड ह्यूज उसका कोई ख्याल नहीं करता, उसको वो भूल चुका है। देयर इज द लेब्रनम, तो फिर मैं तो ये लेब्रनम दरख्त बन जाऊंगी, ये जो सामने लेब्रनम दरख्त खड़ा है, मैं इसकी तरह का एक दरख्त की तरह बन जाऊंगी। इट्स ब्लॉन्ड कॉलोनेड्स, और इसके ब्लॉन्ड कलर के सुनहरी रंग के कॉलोनेड्स हैं, तने की शाखें हैं जो कि खड़ी नज़र आ रही हैं। एंड द पैटी कोर्स ऑफ द चेरी, और ऐसे लग रहा है ये दरख्त जैसे कि इसके पत्ते ऊपर से नीचे, एक दूसरे के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसा कि फ्राक पहना हुआ है, पैटीकोट पहना हुआ है। तो ये जो जिस तरह चेरी के दरख्त ने पैटीकोट यानी पत्ते के ऊपर पत्ता चढ़ा होता है, इसी तरह मैंने भी फ्राक मुख्तलिफ तहों वाला पहना हुआ है, तो मैं भी इस दरख्त की तरह नज़र आऊँगी। इनके लिए मैं इनको, इनके लिए कोई इंसान नज़र नहीं लगूँगी, इनको जैसे मक्खियों को दरख्त से कोई सरोकार नहीं होता, तो मैं भी इनके लिए एक दरख्त ही होंगी। और एक फ्राक वाला दरख्त, पेटीकोट मतलब पत्तों के ऊपर पत्ते चढ़े हुए, जैसे फ्राक बालदार होता है, तो इसी तरह मैं भी चेरी के दरख्तों की तरह बालदार फ्राक पहने हुए हूँ, तो पत्ते के ऊपर पत्ता जैसे उस पर चढ़ा होता है, तो मैं, मेरा फ्राक भी इसी तरह पेटीकोट की तरह शो हो रहा है, तो मैं भी इनके लिए एक दरख्त ही नज़र आऊँगी और ये मुझे बहुत जल्दी भूल जाएंगी। दे माइट इग्नोर मी इमीडिएटली, हो सकता है मुझे ये फौरन ही इग्नोर कर दें, मेरी तरफ आई ना, मुझे एक दरख्त का तना समझे। इन माई मून सूट, मेरे एक चांद की तरफ जाने वाले खलाई लिबास में, जैसे मैंने, क्योंकि जब जो मक्खियों से हिफाजती लिबास होता है तो उस वो ऐसे ही लगता है जैसे चांद गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोगों का लिबास होता है, तो मून सूट उसको कहती है। एंड फ्यूनरल वेल, और इस एक सैड किस्म का जो मैंने नकाब पहना हुआ है इसमें मैं खड़ी हूँ, तो ये हो सकता है मुझे जल्द ही ये फौरन ही इग्नोर कर दे। और यहाँ पर फ्यूनरल वेल शो कर रहा है कि थीम ऑफ डेथ नज़र आता है, कि मैं बस एक मुर्दा किस्म की चीज़ उनको नज़र आऊँगी। आई एम नो सोर्स ऑफ हनी, मैं इन मक्खियों के लिए कोई गुलाब नहीं हूँ, कोई गुलाब का फूल नहीं हूँ जो इनकी अट्रैक्शन का बायस बनूँ। मुझे मेरी तरफ ये क्यों तवज्जो दें, क्योंकि मैं इनके लिए कोई शहद इकट्ठा करने का ज़रिया नहीं हूँ। यहाँ फिर थीम ऑफ इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का है कि क्योंकि अब डेड यूज़ को मेरे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो और लोगों में और लेडीज़ में इंटरेस्टेड है, तो मैं उसके लिए कोई हनी का सोर्स नहीं हूँ, कोई उसकी मतलब की चीज़ का सोर्स नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे वो जल्द ही भूल जाए। मक्खियाँ भी इसी तरह, वो भी भूल जाए जिस तरह, इसी तरह मक्खियाँ भी मुझे जल्द ही भूल जाए, क्योंकि मैं उनके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं रही। सो वाई शुड दे टर्न ऑन मी, तो फिर वो मेरी तरफ क्यों मुड़ कर आएंगी, क्योंकि मैं तो उनके लिए कोई हनी का सोर्स नहीं हूँ, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं हूँ उनके लिए, तो वो मेरी तरफ क्यों मुड़ेंगी। टुमारो आई विल बी बेस्ट गॉड, अच्छा सॉरी टुमारो आई विल बी स्वीट गॉड, अच्छा तो कल मैं इन मक्खियों के लिए एक खुदा होंगी। अपने आप को अथॉरिटेटिव बनाना चाहती है, अपनी मलकियत शो करना चाहती है कि कल मैं इन मक्खियों का एक खुदा होंगी। आई विल सेट देम फ्री, कल मैं इनको आज़ाद कर दूंगी। द बॉक्स इज ओनली टेम्परेरी, ये जो डिब्बा है ये तो बस आर्जी कैद खाना है इन मक्खियों के लिए, कल मैं इनको आज़ाद कर दूंगी। तो यानी फ्री होने का, आज़ादी का भी, आज़ादी की मुतलाशी भी है पोइटेस के, वो भी आज़ाद होना चाहती है मक्खियों को आज़ाद करके। मक्खियाँ उसके जहन की अकासी करती हैं कि उसके जहन के अंदर चल रही एक उलझी हुई चीज़ें, जैसे मक्खियाँ होती हैं ना, उलझी हुई नज़र आती हैं, ना समझ आने वाली चीज़ें, ना समझ आने वाली साउंड्स उनकी आवाज़ें हैं, तो इसी तरह वो कहती है कि मैं भी इन अपनी अंदर की सोचों को आज़ाद कर दूँगी और मैं इनका एक गॉड बन जाऊँगी। तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स और इनर कम्प्लेक्सिटीज़ को शो करती है ये लाइन्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट
सिल्विया प्लेथ्स फेमस पोएम द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स। आई होप यू पीपल लाइक इट। अगर आप लोगों को पोएम में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। यहाँ पर मैंने पोएम की समरी आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो को स्टॉप करके आप समरी को रीड कर सकते हैं, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग पोएम के साथ क्रिएट होगी। ओके, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।